गुड डैम सी भारत, वेरी गुड डैम सी। आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर डी श्री डी एन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आप सभी के इंतजार के लिए धन्यवाद। आप सभी जो इतना प्यार करते हैं, इतना बेसब्री से आज के दिन का, बुधवार का इंतजार करते हैं, उसके लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन, स्वागत। और मेरे साथियों, परिचय दे दूं, नाम अभिषेक कश्यप, जन्म स्थान चित्रकूट और पूरा भारत मेरी कर्म भूमि है, इसलिए एक बार फिर आप सभी को गुड एमसी भारत। साथियों, आप सभी को इंतजार है आज गुरुदेव से मुलाकात करने का। मैं जानता हूं कि जो उम्मीद आपको आज है वो शायद मैं पूरी ना कर पाऊं, जो कुछ आज आप चाह रहे थे आज पाना वो शायद मैं पूरा ना कर पाऊं, लेकिन आपका भाई होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते, आपके परिवार का हिस्सा होने के नाते, मैं आज आपसे कुछ चंद बातें रूबरू करूंगा। और आज हम सभी का सौभाग्य है क्योंकि गुरुदेव हम सब के लिए कुछ विशेष करने जा रहे हैं और कुछ विशेष कर रहे हैं, इसलिए मुझे आप सभी के सामने रूबरू होना पड़ा। तो साथियों, मैं गुरुदेव का स्थान तो नहीं ले सकता हूं, ना उनकी कमी पूरी कर सकता, लेकिन आप सबसे मुलाकात करने का जो मौका मुझे मिला है आज, उसे पूरी तरीके से मैं उस मौके का सही सही उपयोग करने का पूरा प्रयास करूंगा और पूरी तरह करूंगा। तो साथियों, आज कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, और जैसा कि आप सभी समझदार हैं, जानकार हैं, तो साथियों कुछ चंद लाइनें गुनगुनाते हैं, और तब तक आप अपने सभी साथियों को, अपने परिवार का जो हिस्सा छूटा हुआ है, आज कहीं ना कहीं लोग व्यस्त होंगे, तो उस व्यस्तता भरे क्षणों से उनको ला करके हम आज बुधवार का ये सेशन कंप्लीट करेंगे। तो साथियों कुछ चंद लाइनें गुनगुनाते हैं। माय फेवरेट स्वागत है अरविंद भाई, आशीष शर्मा जी, मोस्ट वेलकम। अपने सपनों के संग भरे जीवन में रंग डटे रहा, यस डटे रहना है साथियों। शेयर मोर एंड मोर, ऋषि द्विवेदी, स्वागत है आपका। बोलू पाल जी स्वागत है, नरेंद्र सिंह जी मोस्ट वेलकम। बढ़ते हुए सुशील शर्मा जी स्वागत है, आजाद जी मोस्ट वेलकम, प्रियांशु गुप्ता जी स्वागत है। मनोज जी मोस्ट वेलकम, संजय पाटा जी स्वागत है, संदीप जी मोस्ट वेलकम, गुड टाइम सी। राह में आएगी मुश्किलें हजार, हिम्मत से तुम करना पार। काली राम सर स्वागत है, रामचंद्र जी स्वागत है। लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना, मंजिल को है तुमने पाना, तुमने पाना, तुमने पाना। कर्म वीर तुम चल से चलो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। स्वागत है आप सभी का। मुश्किलों को हरा के चलो, दिल में आग लगा के चलो। वाह, स्वागत है अनिल सर, मोस्ट वेलकम। समय को कभी भी ना व्यर्थ गवाना, सपनों को है तुमने पाना। सत्या जी स्वागत है, मंजू जी, गुडन सी। कर्म वीर तुम चल से चलो, डटे रहो। रजत मंडल जी मोस्ट वेलकम सर, डटे रहो, डटे रहो। थैंक यू, थैंक यू।
हाँ धीरज जी, स्वागत है आपका। लवलेश विश्वकर्मा जी, सुजीत जी, वाव, गुड एमसी आल। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं गुरुदेव की जगह तो नहीं ले सकता, क्योंकि आप सभी के दिलों में जो उनकी जगह है, जो सम्मान है, वो मैं तो उसके धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बस साथियों, आज मौका मिला आप सभी से रूबरू होने का, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, गुरुदेव हम सभी के लिए कुछ आज विशेष कर रहे हैं। तो उस विशेष क्षण में, इस एक बजे में, मुझे आपकी सेवा में तत्पर होने का मौका मिला। तो साथियों, कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ बात करते हैं। हम आप सभी बिजनेस में हैं, हम आप सभी जीवन में प्रगति चाहते हैं, हम आप सभी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं। जी हाँ, समृद्धि। तो समृद्धि से पुनः आप सभी को इस समृद्धि शब्द को लेकर के बीते नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं और विजयादशमी की शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका दहन हो और आप हम सभी विजयी हों, इसी मनोकामना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर डॉक्टर श्री डी एन सिंह जी के चरणों में सादर नमन के साथ ही हम आगे की चर्चाएं करते हैं। तो साथियों, आज एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। बिना त्याग कुछ भी प्राप्त नहीं है, ध्यान देंगे आज इसको। बिना त्याग कुछ भी प्राप्त नहीं है, ये लाइन अगर समझ में आ गई तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, समझिएगा। मैं जरा डिस्टर्बेंस खत्म कर दूं, क्योंकि आज विसर्जन का दिन है। गेट लगा, आज विसर्जन का दिन है। जगह जगह हर्षोल्लास होगा, इसीलिए आज लोग भी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं अपनी पूजा परिस्थितियों में। लेकिन आज राज की बात करेंगे, क्योंकि एक टैग है कि राज की बात है ना। तो राज की बात यह है कि बिना त्याग के कुछ प्राप्त हो सकता है? जी नहीं, बिना परित्याग किए कुछ भी प्राप्त नहीं है। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए, लीडरशिप की भाषा में कहा जाए, तो हर एक उपलब्धि की, हर एक प्राप्ति की एक कीमत होती है। वो कीमत बिना चुकाए अगर कोई चीज प्राप्त हो जाए, जैसे कहते हैं ना आयुर्वेदिक, हम हमेशा जब लोग उधार मांगते हैं तो बोलते हैं कि भाई आयुर्वेदिक है ये, बिना पैसे के या उधार में ये फायदा नहीं करेगा। वैसा ही है दोस्त, वैसा ही जीवन है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, और ये एक लाइन मेरे जीवन के लिए बहुत कारगर है। और जब भी आईएमसी में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करना है, तो वहाँ के लिए बहुत जरूरी है कि जीवन को समझें। यदि जीवन समझ में आ गया, तो आईएमसी समझने में मात्र दो मिनट लगता है। तो जीवन को समझना है। क्या जीवन में किसी भी चीज की कीमत चुकाए बिना कुछ प्राप्त हो सकता है? बहुत से लोग मिलेंगे, चर्चाएं होती हैं, फील्ड में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आता है, तो उन सब का उपचार भी है। बस मुस्कुराहट बरकरार रख करके जवाब देने की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त। क्या हमारा आपका जन्म फ्री में हुआ है? हमारा आपका जन्म भी फ्री में नहीं हुआ, उसके लिए भी हमारे माँ बाप ने एक कीमत चुकाई है। या मेरे और आपके जो बच्चे हैं, क्या वो फ्री में आए हैं? उसके लिए भी हमने आपने एक कीमत चुकाई है। अगर वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम आप जब बड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमारे माँ बाप ने और हम अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई कीमत चुका रहे हैं, उनके संस्कार को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर के, उनके पालन पोषण को लेकर के। बिल्कुल, तो उसकी कीमत चुकता की जाती है, उसको लेकर के कुछ ना कुछ हमें आपको करना पड़ता है। और हमारे माँ बाप ने भी, जी हाँ आजाद जी, एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। बिना परित्याग कुछ प्राप्त नहीं है, आज इसी को समझेंगे। बहुत आसान हो जाएगा बिजनेस करना मेरे दोस्त, सारे सवालों के जवाब आज यहीं क्लियर हो जाएंगे। मैं बस डिस्कशन कर रहा हूं, मैं कुछ सिखाने नहीं आया, कुछ बताने नहीं आया। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मैं अपने परिवार से आज बातें करने आया हूं, तो कुछ बातें करेंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कीमत की। जब हम पैदा हुए, हमने जन्म लिया, तब कीमत चुकता की गई। हमारे बच्चे आए तो उनकी कीमत चुकता की गई। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना, तो उसमें भी एक कीमत लगेगी। बिल्कुल, एक कीमत लगेगी।
वहां पर भी कीमत लगेगी। कुछ संस्कार होते हैं, है ना, अगर हम अलविदा कह जाएंगे इस दुनिया से तब भी एक कीमत चुकता करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। और अगर हमने सही सब कुछ ठीक ठाक बना दिया है, जिस समृद्धि की हम बात कर रहे थे, अगर वो हमने बना दी है तो फिर उसकी कीमत के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना कि मुर्दा भी पांच आदमी ढूंढ लेता है, चार नहीं पांच होते हैं, ध्यान रखिएगा, चार कंधे और एक आगे चलने वाला, और हमारे बिजनेस में भी सिर्फ पांच ही चाहिए। तो कीमत चुकता करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, जब आना फ्री नहीं है, जाना फ्री नहीं है, जब यहां पर रहना फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, तो बिजनेस फ्री का क्यों सोचते हैं हम? ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग काम करेंगे और फ्री में सब कुछ मिल जाएगा? डायरेक्ट सेलिंग की को लेकर के जो समाज की एक गंदी सोच बन गई है ना, वो सबसे घटिया सोच हो गई है कि यहां पर शॉर्टकट में फ्री में कुछ मिलता नहीं। दोस्त, ध्यान देने वाली बात है, 50 साल में जो अचीवमेंट एक इंसान करता है, 60 साल में जो अचीवमेंट अपने जीवन में जो इंसान करता है, वो यहां 3 से 5 साल में करता है। तो 50 से 60 साल का जो संघर्ष है, वो 3 से 5 साल में करना भी पड़ेगा। यहां फ्री में कुछ नहीं है, यहां भी कीमत चुकानी पड़ेगी। 50-60 साल का जो संघर्ष है, जीवन जो किसी तरीके से घुट घुट के जो लोग आम इंसान जो जीने पर मजबूर है ना, जो फिर जाकर के एक अचीवमेंट लेता है, कोई घर, कोई बंगला, कोई गाड़ी, एक थोड़ा सा सुकून भरा एक जीवन, उन सबको 50 से 60 साल में हो पाता है। और यहां हम 3 से 5 साल में पाने की बात करते हैं, तो वो 50 से 60 साल का जो संघर्ष है, 50 से 60 साल की जो यात्रा है, जो कार है, वो भी 3 से 5 साल में करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। उन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझें, नॉर्मल सी, एक निर्जीव वस्तुओं से अगर हम सीखें, झाड़ू भी जब कचरा साफ करता है ना, तो खुद का परित्याग करता है। एक झाड़ू भी जब घर का कचरा साफ करता है ना, तो खुद के सीखों का परित्याग भी करता है साथ में। बिना त्याग कुछ भी प्राप्त नहीं है। एक पंखा जब चलता है ना, हमें ठंडक देता है, तो वो खुद में हीट होता है, वो अपने सुकून का परित्याग करता है। एक एसी जब चलता है ना, कमरे को ठंडा करता है, तो आबो हवा का जो नमी है ना, उसको खींच करके वो बाहर करता है, खुद गर्म रहता है और वापस नमी को पानी में बदल के परित्याग करता है। सिंपल 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 सी बातें हैं। एक जब बिजली पैदा होती है ना, जो शक्ति, जो ऊर्जा पैदा होती है ना, वो भी पानी के कुछ हिस्से का परित्याग करती है। त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं है। हम आगे बढ़े। एक बीज जब फसल का या पेड़ का जब रूप लेता है ना, तो वो खुद के अस्तित्व का परित्याग करता है। जब एक मिट्टी अपने अंदर बीज को, फसल को समाहित करती है, उसे उपज के रूप में हमें देती है, तो वो मिट्टी भी अपने स्वरूप का परित्याग करती है। परित्याग करती है, जी हां साथियों, परित्याग करता है। एक जल समुद्र का पानी भी जब वाष्प बन के बादल बनता है ना, तो अपने सुकून का परित्याग करता है, गर्मी सहता है, ताप को सहता है, और जब वो पानी वापस धरती पर हमारे सुख सुविधा के लिए बरसता है ना, तो भी अपने उस वाष्प रूप का परित्याग करता है। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जीवन से समझें, हम आप जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे, और थोड़ा सा जब बड़े होते हैं, तो फिर हम आप खुद, चाहे वो महिला हो या पुरुष या कोई भी जीव हो, जिसने भी धरती पर जन्म लिया, जब वो पैदा होता है तो छोटा सा एक नवजात शिशु होता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है ना, तो अपने बालपन का परित्याग करता है, वो अपने नवजात होने का परित्याग करता है। जो नवजात शिशु एक बालक बनता है ना, तो अपनी तोतली भाषा का भी परित्याग करता है। गोद में बैठ करके खिलाए जाने वाले जो सुख होते हैं ना, जो एक माँ उसको, एक पिता उसको गोद में लेकर के जब घूमता है ना, थोड़ा सा जो वो बड़ा होता है 10 से 12 साल का ना, तो उस सुख का उसे परित्याग करना पड़ता है। और आप कहते हो जीवन में यही कष्ट है, बचपन अच्छा था। मेरे दोस्त, जवान होने के लिए ना बचपन का परित्याग करना पड़ता है। इस समाज में जवान होकर के, बड़े होकर के, वयस्क होकर के अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने उस बचकानी हरकतों का परित्याग करना पड़ता है। इस जीवन में जब आप सब कुछ कार्य करके इस जीवन को संपन्न करके जाने की ओर, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं ना, तब
वयस्कता का, जवानी का भी परित्याग करना पड़ता है। और जब इस जीवन को पूर्ण करके वापस, अब तो थोड़ा सा लेवल से ऊपर की बात आ जाएगी, जब वापस जहां से आए हैं वहां जाना होता है ना, तब इस जीवन का, इस शरीर का भी परित्याग करना पड़ता है। रोज सुबह नहाने के लिए जो कपड़े आपने कल पहने होंगे ना, उनका भी परित्याग करना पड़ता है। प्रतिदिन हर एक कार्य में बिना त्याग के कुछ प्राप्त नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं है। अब जिस चीज में मजा आता है जरा उसको देखते हैं, है ना। हमारे नौजवान साथी भी हैं यहां पर, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, बच्चे नहीं बोलूंगा, यंगस्टर बोलूंगा, वो मेरे भाई बहन हैं जिनका शादी वादी नहीं बना ना। जरा सोचिए उन सबको, अभी टिकटॉक पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे तमाम चीजें चलती हैं। हम भी उस उम्र की दहेजी से हमने, हम उस उम्र से गुजरे हुए हैं, इसलिए अनुभव की बात करेंगे, शेयर करेंगे थोड़ा सा आज। एक कहते ना प्रेम, आकर्षण, आकर्षण जिसको बोलेंगे, मैं प्रेम तो एक अलग शब्द हो गया, उसके लिए बहुत बड़ी परिभाषा है, उसकी बहुत बड़ा शब्द है, समझिएगा दोस्त। अगर आप किसी के प्रति आकर्षित हो जाएं, प्रेम के प्रति आकर्षित हो जाएं, यानी कहते हैं ना आज क्या बोलते हैं उसको, नए बच्चे क्या बोलते हैं, क्रस, या हाँ सुना है मैंने, क्रस। तुम्हारा कोई क्रस है, तुम्हारी कोई क्रस है? यस, बोले क्रस। तो नए नए शब्दों के साथ आज प्रेम को परिवर्तित कर दिया गया है। तो जब कोई क्रश होता है ना मेरे दोस्त, और जब आप उस क्रश को पाने के लिए, या उस प्रेम को, या जिसके प्रति आकर्षण है, प्रेम है, उसको यदि पाने का प्रयास करते हैं ना, तो वहां पर भी परित्याग होता है, आलस्य का परित्याग हो जाता है। प्रेम को पाने के लिए सर्वप्रथम आलस्य का परित्याग हो जाता है, उससे मिलने के लिए सर्वप्रथम आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बदल जाता है, आपके कपड़े बदल जाते हैं, परित्याग हो जाता है। समय से उठना, समय से भागना, और एक ही चीज दिमाग में चलती है, काश मुलाकात हो जाए। मैं गुजर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं, होता है। और कभी आपने अगर देखा हो समाज पे अपने, है ना, शुद्ध शुद्ध बात करता हूं, खुले शब्दों में बात करता हूं, अगर किसी का लव मैरिज हुआ है ना, अपने मन का अगर किसी ने प्राप्त कर लिया है, तो देखिए जरा गौर से समझिएगा, उसे अपने परिवार का परित्याग करना पड़ता है किसी एक के लिए। समाज में उसके प्रति जो निगाहें हैं वो बदल जाती हैं, वो सम्मान का परित्याग करना पड़ता है, अपने छूट जाते हैं, अपनों का परित्याग करना पड़ता है। और जब प्राप्त हो जाता है ना, तो फिर ईगो आता है, दम आ जाता है। यही हाल होता है जब हम बिजनेस शुरुआत करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। मैं जानबूझ करके प्रेम को यहां पर लाया हूं, क्योंकि प्रेम, यदि आपको इस क्राउन प्रेसिडेंट से, चेयरमैन की पिन से प्रेम है ना, तो बहुत कुछ परित्याग करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में समृद्धि आ जाए, तो उसके लिए परित्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। अब आप देखिए क्या क्या है, जरा अनुभव करिएगा, समझिएगा क्या क्या परित्याग करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, है ना। जब किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं ना, तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ दिमाग से हटाना पड़ता है। तो अब बात आ जाती है, जब कुछ लोग हो जाता है, सब मिल जाता है, तो उसके बाद अहम आता है, दम भा जाता है। और जब दम भाता है, तो फिर से पतन होता है। यह चक्र है, इस चक्र से निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें हैं, अगर समझ में आ गया तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा अगर हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया, तो हमारे अंदर एक प्रेम आता है कि नहीं यार, हमको 5% पहुंचना है, 10% पहुंचना है, 15%, यानी स्टार, सुपर स्टार की ओर जाना है, बढ़ना है, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। और जैसे ही हम कुछ चीजों का परित्याग करते हैं, यानी परित्याग किसका करते हैं, हम उन पुराने दोस्तों का हमें परित्याग करना पड़ता है जो इस बिजनेस पर हमारे साथ नहीं आते। जी हाँ, मैं परित्याग ही बोलूंगा, कुछ दिनों के लिए। जब आप समृद्ध हो जाते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं, तो वही दोस्त फिर आपके काम आते हैं ना। चेयरमैन बन जाइए, सीपी के लिए वही पुराने लोग काम आएंगे, समझने वाली बात है। अब देखना यह है कि जरा सा जब उपलब्धि आ जाती है, तब क्या होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा फील्ड में कि सर बिजनेस बहुत अच्छा था, एक समय मेरा इतना था, इतना लेवल मेंटेन होता था, या फला व्यक्ति था उसका इतना लेवल मेंटेन होता था, सर इतना बड़ा बिजनेस आता था, इतना बिजनेस वॉल्यूम था, लाखों में आता था, आज सर थोड़ा सा घटा हुआ है। उसके पीछे का कारण जानते हैं?
बहुत से लोग कहते हैं सर पहले 30% था, 300 रुपया आता था, वो जब से प्लान अपडेट हो गया ना वो 15% हो गया तो अब 150 ही आता है। मेरे दोस्त, गलती उसकी नहीं है, गलती उस समझने वाले की नहीं है, गलती समझाने वाले की है। वो अब भी 30% में ही उलझा हुआ है जबकि कंपनी 100% दे रही है। सोच की बात है, वो देख कहां रहा है, वो समझ के आ रहा है, उसको पाना क्या है, उसकी इच्छा क्या है, यही तो नहीं जगा पाता एक लीडर, यही गलती होती है। और कारण, उसका सबसे बड़ा कारण बता देता हूं, उसका सबसे बड़ा कारण वो है जो उन दिनों पर काम करके जो आगे बढ़ चुके हैं। देखो मैं अपनी गलती से ही बात करूंगा साथियों, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा, मैंने कहा ना आजकल मैं अपनी गलतियों पे ही बात करता हूं, है ना। या तो गलती के हुए इंसान से सीख लो या खुद गलती करके सीखो, ऑप्शन आपके पास है। अगर गलती के हुए इंसान आपको कुछ बता रहा है तो उससे सीख लो, सफल इंसान कुछ बता रहा है तो सीख लो, है ना। अगर गलती हुई है किसी से और वो बता रहा है कि ये गलत है, ये करना गलती है, तो उसे सीखो, या तो फिर गलती करके सीखो। दो ही तरीके हैं, अब आपकी मर्जी, आप गलती करके सीखना चाहते हैं गलती की हुए इंसान से। तो मेरे दोस्त गलती होती है, कैसे होती है, जैसे ही हम सिल्वर गोल्ड रूबी चेयरमैन बन गए ना तो फिर क्या होता है, फिर हम बड़ी बड़ी लीडरशिप पर ही फोकस करते हैं, छोटे छोटे जो हमारे जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, जो लोग नए आ रहे हैं, उन पर हमारा ध्यान हट जाता है। पा गए ना, जो चाहिए था वो मिल गया, तो उसके बाद अहम आ गया और अहम के साथ फिर वहम आ जाता है, है ना। तो वहम में क्या होता है, जब एक लीडर कहता है नीचे से, एक डाउनलाइन कहता है कि सर ऐसा सर, तो हम भी मान लेते हैं, अच्छा हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हो। मेरे दोस्त कौन बोल रहा है आपको कि आप सुपरस्टार पे टिके रहो, आप 15% या 30% पे ही लगे रहो, सिल्वर बन जाओ ना मेरे भाई, 18% का लीडरशिप है, मिलेगा, बढ़ाओ ना लेवल को। उसको ये नहीं बताया जा सकता, उसको ये भी तो कहा जा सकता है कि भाई कंपनी तो 100% दे रही है, आप अभी 15% पे ही टिके हो, लेकिन वो बार बार कहेगा सर 300 आता था। तो मेरे दोस्त, तो 300 के लिए आया है कि 300,000 के लिए आया है, क्या मैं ये बात उससे नहीं कह सकता। बहुत से लीडर आकर के फिर अपने अपलाइन से बोलेंगे सर ऐसा ऐसा फील्ड में लोग बोल रहे हैं, आपको जाकर के उन्हें बताना है, आपको यही तो बोलना है कि यहां पर तो 100% मिलने लगा, अभी आप 15% और 30% पे ही लटके हुए, अभी 150 और 300 पे ही फंसे हुए। मेरे दोस्त, कंपनी 1.5 लाख देने की तैयारी कर रही है, 3 लाख देने की तैयारी कर रही है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते। यदि आपको अच्छा लगता है सुपरस्टार पे टिके रहना, 1000 बीवी ही करना है, तो फिर उसके अंदर लीडरशिप कहां है, फिर वो ऐसी बात क्यों कर रहा है और हम उसकी सलाह मान क्यों रहे हैं। यदि कोई बंदा ये इस पर टिका हुआ है, इसी पर अटका हुआ है कि सर पहले 300 आता था अभी 150, तो उसके अंदर लीडरशिप कहां है, उसके अंदर लीडरशिप है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने 300 के लिए आया है। तो फिर उसको सिंपल से बताइए भाई, जो 1000 पहले करते थे वो 15 तारीख के पहले कर लो, कल के दिन आप जो 1000 बीवी करते थे वो तब करते थे, समझिएगा, मर्म के साथ बताइए, अच्छा लगेगा। वो जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप पहले 30% होने पर जो किया करते थे वो तब आप करते थे जब आपकी डाउन पे 30,000-35,000 बीवी हो जाता था, आखिरी में आप करते थे अपना कमीशन लेने के लिए, है ना। तो अभी एक काम करिए, छोटा सा काम करिए, और उस समय जब आपको आता था तो 3,000-3,500 रुपये आता था, अभी आप एक छोटा सा काम करिए, अभी आप 15 तारीख के पहले 1000 बीवी करिए और 15 तारीख के पहले अपनी पूरी टीम के थ्रू 35,000 बीवी करा दीजिए, सबको 1000 बीवी करा दीजिए, 35 लोगों को करा दीजिए, तब आपको 3500 आता था, 30% का लेवल था, लेकिन आज आपको 10,000-12,000 रुपये आ जाएगा और 15% का लेवल है। यही तो जादू है, यही तो डायरेक्ट सेलिंग का जादू है मेरे दोस्त, यही तो IMC का जादू है, है ना। मैनेजमेंट की सोच वहां से शुरू होती है जहां से हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए उंगली उठाना बंद करें, है ना। उंगली वही लोग उठाते हैं, अब देखिए जरा समझिएगा, जरा गौर से समझिएगा, उंगली कौन लोग उठाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने बचपन से घी ना खाया हो, है ना, बचपन से उसे घी खाने को ना मिला हो, और उसके बाद वो किसी रिश्तेदारी में जाए, उसको 4 चम्मच 6 चम्मच 10 चम्मच घी खिला दिया जाए, और वो घी खाने के बाद क्या बोलेगा, वो घी खाने के बाद बोलेगा क्या, है ना, घी खा लिया 10 चम्मच, उसके बाद यह एक कटोरी, हमारे यहां देहात में जाते हैं जब देहातों में, तो कटोरी में घी डाल दिया जाता है, दाल में एक कटोरी घी सीधा डाल देंगे, चावल, अब दाल और चावल जब मिक्स करते हैं ना
तब उसमें अलग से वो 8-10 चम्मच घी डाल देते हैं, खाइए ना, स्वाद बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच बहुत से साथी हैं, मैं याद दिला दूं, चने की दाल चावल और उसके बाद 10 चम्मच घी, गजब है ना, पानी आ गया होगा। तो मेरे दोस्त, अगर वो नए व्यक्ति को खिला दिया जिसने कभी घी ना खाया हो, बचपन से जिसने कभी इतना घी ना खाया हो, उसको खिलाया जाए तो क्या होगा? उसका पेट खराब होगा, उसको उसे पचाने में तकलीफ होगी, और वो बोलेगा क्या जाकर के? वो क्या बोलेगा? वो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा पाचन ठीक नहीं था, या मैंने कभी बचपन से, सोचिए जरा, वो 10-15-20 लोगों के बीच जब बैठेगा, समाज में बैठेगा, और उसका पेट खराब हो चुका होगा, तब क्या बोलेगा? वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने बचपन से कभी घी नहीं खाया, मैंने कभी बचपन से 25-50 हजार रुपया महीने में आमदनी देखी ही नहीं, मैंने कभी बचपन से अपने अकाउंट पे 30,000, 40,000, 50,000 5-6 तारीख को आते हुए देखा ही नहीं, मैंने बचपन से कभी एक आसान काम करके लोगों को प्रोडक्ट खाली बता करके 8-10 हजार रुपया कभी मेरे अकाउंट में आए ही नहीं। वो ये थोड़ी बताएगा, वो सीधा बताएगा कि भाई साहब, इनके घी में कुछ कमी थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। अगर किसी को 1-2 लीटर दूध पीने को मिल जाए कभी कहीं पर, और पी ले, उसके बाद पेट खराब, यानी उसको पचाने की क्षमता ना हो, तो क्या होगा? वो खुद के पाचन प्रणाली को दोष देगा, अपने बचपन से जो उसने जो सीखा है, बचपन से जो खा रहा था, है ना, उसको दोष देगा, अपनी परवरिश को बताएगा कि नहीं भाई, मेरे यहाँ कभी दूध था ही नहीं, तो कभी दूध खाया ही नहीं। वो ये थोड़ी बताएगा, ये बोलेगा, अरे भाई, मैं तो हमेशा पर डे मैं 8-10 लीटर दूध पीने वाला आदमी हूं भाई। अपनी वो बढ़ चढ़ के तारीफ ही करेगा और बोलेगा क्या इनके दूध में कोई कमी थी। यही हाल होता है मेरे दोस्त, यही हाल होता है जिसको पचाने की क्षमता नहीं है। अब ध्यान देना है यहां पर कि होता क्या है। आईएमसी सिस्टम में आएंगे, लीडरशिप आएगी, टीम बनेगी, बिजनेस बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो कहते ना कि उनको पचाने की क्षमता, हर व्यक्ति के कई सारे सवाल होते हैं, हर व्यक्ति की उम्मीदें होती हैं, उनको पचाने की क्षमता है कि नहीं? अगर उनको पचाने की क्षमता है तब लीडरशिप है। कुछ सवालों के जवाब आपके पास हैं, कुछ सवालों को झेलने की, कुछ आलोचनाओं को झेलने की, पचाने की क्षमता अगर है तब लीडरशिप है। और अगर थोड़े से में ही हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाजमा खराब हो जाता है, कोई आया, किसी ने कंपनी के लिए कुछ कहा, प्लान के लिए कुछ कहा, प्रोडक्ट के लिए कुछ कहा, तो हमारा हाजमा खराब हो गया। मेरे दोस्त, इसको पचाने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, लेकर के आना पड़ेगा, है ना। और अगर कुछ प्राप्त हो गया है तो उसको संभालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कई बार बात आती है, एक सेशन में मैंने कहा था, एक दशहरा विजयदशमी का सेशन ही था, मैंने पूछा था, सवाल था कि माता सीता ने सिर्फ राम का ही वरण क्यों किया, ऐसा क्या था? बहुत से लोग बोलते हैं वो तो अवतार थे और पहले से ही था, लक्ष्मी तो नारायण की ही है, वो सही है, लेकिन उस रूप में सिर्फ राम का ही चयन क्यों किया, और लक्ष्मी ने नारायण का ही चयन क्यों किया? क्यों ऐसा है? उसके पीछे का कारण यही है कि उनके पास उन्हें संभालने की कैपेसिटी थी, और कोई संभाल ही नहीं पाएगा। यस, हम आप लेबल और पिन तो पा लेंगे, हम आप इनकम भी पा लेते हैं, लेकिन क्या उसे पचा पाते हैं, क्या उसे संभाल पाते हैं? कई बार बात आती है कि चलिए डीएन सर का बिजनेस है और सीपी हैं, चलिए ट्रांसफर दे देते हैं आपको, क्या संभाल पाएंगे? क्या मुझे मिल जाएगा तो मैं संभाल पाऊंगा? मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा। तो जब अगर मेरे अंदर संभालने की कैपेसिटी नहीं है, मैं उसे पचास पाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कैसे सीपी बन जाऊंगा? तो सीपी बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, अपने पिन को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने अकाउंट पे लाखों लाखों रुपया मंगाने के लिए, उसको पचाने की भी क्षमता बनानी पड़ेगी, और उसके लिए बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, उसके लिए जीवन को समझना पड़ेगा। गुरुदेव की फिर वही लाइनें आ जाएंगी, जीवन को समझो, जीवन को आईएमसी समझने में तो मात्र 2 मिनट लगता है। ये समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, जानना पड़ेगा कि अगर वो इनकम आ रही है तो उसे कैसे पचाया जाए, वो अगर लेवल आ रहा है तो उसको कैसे पचाया जाए, ये चीज सीखनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या है, जैसे ही हम देखो, सिंपल सा है, ज्वाइनिंग हुआ आज के अपडेटेड प्लान के हिसाब से, यदि लेवल 1100 बीवी करके 5% आया तो 10% जाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
10% जाने के लिए सबसे बड़ी चीज है उस 5% के लेवल का मोह खत्म करना पड़ेगा, उसका परित्याग करना पड़ेगा, यानी वो किसी और को, दूसरों को देना पड़ेगा, दूसरों को देना पड़ेगा। समझिए, कई बार मोटिवेशन में आता है ना, वो रॉकेट को भी ऊपर जाने के लिए छोड़ना पड़ता है, एरोप्लेन को भी हवा में उड़ने के लिए अपना रनवे छोड़ना पड़ता है। वही बात है, सिंपल सा है, 5 से 10% जाने के लिए आपको नीचे 5% छोड़ना पड़ेगा, यानी अपनी टीम में 5% वाले तैयार करने पड़ेंगे। 15% सुपरस्टार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5% और 10% दोनों छोड़ने पड़ेंगे, दोनों अपनी टीम को देने पड़ेंगे, दोनों देने पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल देने पड़ेंगे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तब तक उन्हें छोड़ेंगे नहीं तो आप कैसे सुपरस्टार बनेंगे, मैं कैसे सुपरस्टार बनूंगा। गलती यहीं पर होती है ना, हम उसे छोड़ते नहीं है। हमको क्या चाहिए, वो 5% भी चाहिए, वो 10% भी चाहिए, वो 15, माना वो डिफरेंस ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नहीं दोस्त, छोड़ना पड़ेगा, कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे को छोड़ना पड़ेगा, दैट्स इट। इसी तरीके से सुपरस्टार से सिल्वर जाने के लिए आपको सुपरस्टार का मोह छोड़ना पड़ेगा, सुपरस्टार का मोह छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई जीवन छोड़ के चला गया, मोह को छोड़ना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा, सुपरस्टार से सिल्वर जाने के लिए सुपरस्टार का त्याग करना पड़ेगा, और सिल्वर से गोल्ड जाने के लिए सिल्वर का त्याग करना पड़ेगा। जी हाँ, उस पिन का, उस लेवल का त्याग करना पड़ेगा। जब तक अपने वर्तमान लेवल पे मोह रहेगा उसको ही, अगर बहुत से लोग ने सर ऐसा करने तो मेरा सुपरस्टार मेंटेन हो जाएगा, इतना हो जाए तो मेंटेन हो जाएगा, मेरे दोस्त तू कहां मेंटेन पड़ा हुआ है। कभी सोचा है, कभी किसी ने 5% को मेंटेन किया? मैं नए प्लान, मैं अपडेटेड प्लान पर ही बात कर रहा हूं। क्या 5% का लेवल आने के बाद उसको मेंटेन किया जाता है? जी नहीं साहब, 10% के लिए काम किया जाता है। 10% आने के बाद क्या 15 के लिए काम करना है कि 10 को मेंटेन, 10 को कोई मेंटेन करेंगे? और 10% को ही मेंटेन करना है तो फिर हो गया बिजनेस। ऊंचाई पे जाना है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, परित्याग करना पड़ेगा, बिना परित्याग के कुछ प्राप्त नहीं। जैसे हम 10% पे रहकर मेंटेन नहीं करते, 15 के लिए काम करते हैं, उसी तरह 15% पे आने के बाद, सुपरस्टार पर आने के बाद, सुपरस्टार को मेंटेन के लिए काम नहीं करना है, उसको छोड़ने के लिए काम करना है। और उसको छोड़ने के लिए सीधी सी बात है, आप अपने डाउन पे सुपरस्टार क्रिएट कर दीजिए, उनसे भी बोलिए कि भैया नीचे के लेवल का परित्याग करो। बिल्कुल उसे छोड़ना पड़ेगा। अब बात आती है सर मेंटेन, फिर वही घूम फिर कर आ जाएंगे कि सर कैसे करें, 25 हो जाए, 30 हो जाए। सिंपल सा है सर, 5 कदम 1100 BB लगा दो, 5 पे ही सब कुछ है, और 5 कदम यानी 5 कदम ही चलना है आपको, एक एक कदम, एक एक कदम। पहले तो चलना सीखना है, शुरुआत से लेकर सुपरस्टार तक तो सीखना ही होता है, चलना होता है। अब आप सीख गए हो और सीखने के बाद भी कहते हो गोद में लिए रहो यानी मेंटेन करो, नहीं भैया, अब आपको 5 कदम चलने हैं, पहला सिल्वर, दूसरा गोल्ड, तीसरा रूबी, चौथा डायमंड, पांचवा चेयरमैन। 5 कदम चल दीजिए, और 5 कदम चलने के बाद अपने टीम पे हर लेग पे 5-5 कदम चलना सिखा दीजिए। अगर 5वें लेग पे चेयरमैन आ गए तो लेवल कहां जाएगा, तब 300 आएंगे कि 3 लाख आएंगे? सिंपल सा लॉजिक है दोस्त, परित्याग तो करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा अपने उस नींद का जो पसंद है, परित्याग करना पड़ेगा जो सुख सुविधाएं हमारे घर पे हमको मिल रही, उनका परित्याग करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, बिना त्याग किए, बिना तपस्या किए किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। और बहुत से लोग अभी कमेंट भी आते हैं, मैं पेज पे रहता हूँ, बहुत से लोगों को अभी भी अपने पेज पर जो लाइव आता है ना, मैं थोड़ा सा तकलीफ है बोलना चाहूंगा, बहुत से लीडर्स के दिमाग में है कि इस पेज पर लाइव आने से, टीम पे आने से हेबा जी को या अभिषेक जी को फायदा हो जाता है या डीएन सर को फायदा होता है। मेरे दोस्त, आप गलतफहमी में हैं, आज भी आप गलतफहमी में हैं। अगर आज भी आपकी सोच ऐसी है, बहुत से लीडर्स नहीं आते क्योंकि हम जाएंगे, हमारी टीम चली जाएगी, देख लेंगे तो इनका फायदा हो जाएगा। मेरे दोस्त एक बात बताओ, कंपनी के सिस्टम के हिसाब से नियमानुसार पेज पर आ कौन रहा है, जिसकी आपने रजिस्ट्रेशन किया, जिसका आपने आईडी लगा दिया, जिसका आपने आईडी लगा दिया। अब वो अगर पेज पे आ रहा है तो उससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा, किसको ले जाएंगे? आज तक कभी हुआ ऐसा? उसमें कौन सा हमारा फायदा है? रही बात, कुछ लोग फ्रेशर आते हैं ना कि सर मुझे ज्वाइन करना है, अपना नंबर डालेंगे,
ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत से लोग नए आते हैं कि मेरा नंबर ये है, मुझे आईएमसी ज्वाइन करना, मेरे दोस्त आईएमसी ज्वाइन करने नहीं आया है। ध्यान दीजिए, वो काल नेमी है। आप क्या सोचते हो उससे हेबा जी को और मुझे नए कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं? थोड़ा सा पुरानी बात है लेकिन अभी भी सुनने में आया इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। टीम को लेकर के आइए, बुधवार का जो दिन है ना, गुरुदेव से मिला मुलाकात करवाइए। इससे कहते ना एक मित्रता बढ़ती है, एक नए व्यक्ति की अपने ग्रैंड ग्रेट अपलायंस से मित्रता बढ़ती है। हमारी आपकी भी अपने गुरुदेव से अपने अपलायंस से मित्रता बढ़ती है, और जिसका मित्र इतना सबल हो मजबूत हो तो जीवन में तरक्की तो उसको आनी ही आनी है। तो भैया जो नए लोग आते हैं ना, जो नंबर डालते हैं मुझे ज्वाइन करना है प्लीज कॉल, उनके चक्कर मत पड़ो, वो काल नेमी है। काल नेमी जान रहे हैं ना, काल नेमी एक राक्षस है जो हनुमान जी को रोक रहा था राम का नाम लेकर के, तो वो लोग बस नाम ही लेते हैं। वो कालनेमी आपको अपने मार्ग से अपने पथ से भटकाने के लिए वो यहाँ आता है, रोकने के लिए। आपका जो सीपी की यात्रा है, चेयरमैन की यात्रा है, वो आपको रोकने का प्रयास कर रहा है। उनके चक्कर मत पड़िए। तो पेज पर आने से, पेज पर अपनी टीम को लाने से फायदा ही है। आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ, मेरी पूरी टीम आती, मेरे लोग आते हैं, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो भी लीडर्स यहाँ पर आए हैं और इस पेज की वजह से जो जो चेयरमैन क्रिएट हुए हैं, उनके दिल से पूछिए, उनको बेनिफिट ही हुआ है। तो कभी भी दिमाग में मत लाइए, यानी इस पेज का फायदा उठाने के लिए भी, इन लाइव सेशंस का फायदा उठाने के लिए भी अपने अंदर जो आपके जो वहम है ना, उसका परित्याग करना पड़ेगा। त्याग करिए उसका, ये सेवा है, व्यापार नहीं कर रहे हैं। आज ये पेज के थ्रू हम कमा नहीं रहे, इस पेज के थ्रू हम आप सबकी सेवा कर रहे हैं। मेरे परिवार के लिए है ये पेज, मेरे एमसी परिवार के लिए है। तो साथियों इसका भरपूर फायदा उठाइए, और ध्यान रहे शुरुआत से ही इस बिजनेस को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा। और जिनको भी हम आप लेकर के आ रहे हैं ना, उनको समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में अवेयर करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने गंदा कर रखा है, बहुत से कमेंट्स आते हैं, मैं डिलीट करता हूं, देखता हूं। साथियों अंदर की बात है, आज शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, मैं देखता हूं उनको, उनके अंदर की नेगेटिविटी। मुझे लगता है कि किन परिस्थितियों में लोग पैदा हुए हैं, किन परिस्थितियों में इनका पालन पोषण हुआ है ना, वो सब अपनी मम्मी के शक्तिमान है, पिताजी की दौलत पे उन लोगों को नाज है। खुद से अगर कुछ किया होता तो शायद समझ में आता कि एक डायरेक्ट से लेकर एक नेटवर्कर कितना जिगरा रखता है, कितना दम रखता है। तो ऐसे ऐसे लोग समाज में पड़े हुए हैं, तो हर एक व्यक्ति को ये चीज हमें गाइड करनी होगी कि ये एक जेन्युइन बिजनेस है, खासकर आईएमसी बिजनेस, खासकर आईएमसी बिजनेस एक जेन्युइन बिजनेस है। यहां पर आने के बाद आपको कुछ चीजों का परित्याग करना है, जैसे कि नेगेटिव बोलने वालों को परित्याग करना है, बाजार पे जो मिलावटी सामान मिल रहा है उसका परित्याग करना है ना, अपना जो एक टारगेट है, जो छोटा सा टारगेट है, उसका परित्याग करके एक बड़ा टारगेट बनाना है। ये सारी चीजें हैं साहब, लिस्टिंग करनी है, लिखना पढ़ना छोड़ चुके थे ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद, जो भी जितना पढ़ा आप छोड़ चुके थे, तो हाथ पर जो जंग लग गई है लिखने पढ़ने की, कैलकुलेशन की, उसका परित्याग करना पड़ेगा, उस जंग को हटाना पड़ेगा। जी हाँ, ये सब कुछ, ये सारा डाटा, ये बिजनेस का सारा डाटा हमें आपको तैयार करना पड़ेगा। ये डाटा अपलाइन से, आप सोचें कि आपका अपलाइन पूरा डाटा रखेगा, नहीं, आप कब रखेंगे? अगर अपलाइन ही सारा डाटा रखेगा, अपलाइन ही सबको कॉल करेगा, तो अपलाइन ही तो आगे बढ़ रहा है। और अगर मुझे पहुंचना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे वो डाटा रखना पड़ेगा। और जब मैं कह रहा था ना कि सबसे ज्यादा जो आता है मद, जैसे ही थोड़ा सा लेवल पार हुआ, तो मेरे दोस्त कभी गलती मत करना, कभी ये गलती मत करना, आप अपने अपलायंस से आगे भी निकल जाओ ना, तब भी उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना, शुक्रगुजार रहना, क्योंकि आज उसी की ब्लेसिंग्स हैं, उसी की दुआएं हैं जो काम करती हैं। लोगों को बुरा लग जाता है बात कह दो तो, बेटा चाहे जितना तरक्की कर ले, उसके पीछे माता पिता का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है। अपलाइन भी इस बिजनेस में हमारे माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। इस दंभ का, इस अहंकार का भी हमें परित्याग करना, वास्तव में अगर एक पिन, एक लेबल लेने के बाद थोड़ा सा दंभ आता है ना, अहंकार आता है, तो उसका परित्याग करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है, हम टीम से छूट जाते हैं, हम अपने अपलायंस से छूट जाते हैं। आम ब्रह्मस्पी, मैं ही सब कुछ हूं, ये भी सोच बहुत गलत है। हम आप कुछ नहीं है, हम आप एक सिस्टम है, हम आप एक परिवार है,
और जब तक हम आप एक साथ होकर के नहीं बढ़ते तब तक समस्याएं आती हैं। और उन लीडर्स को देखें ना जो हमेशा एक साथ होकर के सभी का सम्मान करते हैं, सारे ग्रुप उनके लिए बराबर हैं, आईएमसी ही सर्वोपरि है, उनकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं पेज पर ऐसे लोग हैं हमारे साथ हैं, कभी भी एक फोन जाए, आशीष जी हो, राजेश जी हो, मनीष जी हो, है ना, कभी भी सिलीगुड़ी टीम से हो, सारे लीडर्स हमेशा सपोर्टिंग रहती है, इसीलिए प्रगति हो रही है। सपोर्टिव नेचर रखना चाहिए सबके लिए, कभी भी दम्भ नहीं कि मैंने ये किया मेरी वजह से ऐसा है, नहीं दोस्त, ये सब कुछ उसकी वजह से है जो ऊपर बैठा हुआ है। तो जीवन को समझना है, आगे बढ़ना है और वास्तव में कुछ प्राप्त करना है तो हमें परित्याग करना पड़ेगा। परित्याग उस आलस्य का, परित्याग उस गंदी सोच का, परित्याग ईर्ष्या का, एक दूसरे के प्रति जो जलन है उसका, परित्याग उस घमंड का जो कुछ करने के बाद आ जाता है, परित्याग उस अहम का जो अकाउंट पे कुछ आने के बाद आ जाता है, परित्याग उन गाड़ियों का, उन गाड़ियों के घमंड का जो हम अचीवमेंट के बाद ले लेते हैं, सबका परित्याग करना पड़ेगा। जब तक सरल नहीं बनेंगे तब तक सफल नहीं बनेंगे, जितना सरल होंगे उतना सफल बनेंगे। तो सरलता को अपना करके, क्योंकि बहुत ज्यादा होशियारी, बहुत लोग ना, मैं प्रोफेशनल हूं, प्रोफेशनल का एक लाइन पे सीधा सा डेफिनेशन है, बहुत लोग ना, मैं प्रोफेशनल हूं, किसी को कुछ भी हो मैं तो सर पे मतलब हो गया ना, पैर पे सर रख वो चढ़ जाऊंगा किसी के भी, उससे भी इशू नहीं। नहीं, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि हम काम वो करें जिसकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो, किसी और का नुकसान किए बिना अपनी प्रगति को, अपनी प्रगति को प्राप्त करना, ये प्रोफेशन है। तो बिना नुकसान किए नहीं, जब तक सरल नहीं होगी, आज हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो रिलेशन का बिजनेस है, और जब तक हम आप सरल नहीं होंगे तो हमारा रिलेशन भी बेहतर नहीं होगा। सरलता नहीं होगी, समरसता नहीं होगी, अवगुणों का त्याग नहीं होगा, तब तक ये समाज जो नए लोग हैं ना वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा परिवार भी हमको एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखिए ना, बहुत ज्यादा आप गलत सलत बोलते रहिए घर में, माँ बाप निकाल के बाहर कर देंगे, है ना, पूरा समाज छोड़ देगा। तो यहां पर तो अपनी भाषा पे भी संतुलन रखना है, तो उसके लिए अंदर से सरल होना पड़ेगा, अंदर से सद्भाव रखना पड़ेगा। जब तक अंदर से सही भाव नहीं आते हैं तब तक अचीवमेंट नहीं आता है। जीवन को समझना बहुत जरूरी है, जितना सरल, जितना सिंपल भाषा में आप लोगों को बताएंगे एमसीयू को लेकर के, उतना सरल शब्दों में उसको समझ में भी आएगा और उतना ही सरल वो आगे डिफाइन कर पाएगा। और जितना ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उतना ही ज्यादा उसको समझने में दिक्कत होगी और आगे समझाने में दिक्कत होगी, यानी चैन टूट जाती है, चैन टूटती है। तो सरलता के साथ, बेहतरीन व्यवहार के साथ, छोटी छोटी चीजों का, छोटी सोच का, है ना, गलत विचारों का, हर निगेटिविटी का परित्याग करके ही आईएमसी बिजनेस में कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये कुछ बातें हैं, हो सकता है कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हों, अगली बार सुधार किया जाएगा, लेकिन सीधा सा है, एक ही मकसद है मेरे दोस्त, जो हमारे अपलाइन चाहते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट चाहता है, हम आप सबकी समृद्धि, हम आप सबकी समृद्धि। ध्यान रहे, समृद्धि के साथ कभी भी घमंड ना आए, छोटा सा पिन, छोटा सा अचीवमेंट के बाद कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए, तभी टूटता है, तभी बिजनेस खत्म होता है। जब हम अहंकार में आ जाते हैं तभी बिजनेस नीचे आता है, कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है मेरे दोस्त। सिस्टम में कमी नहीं है, प्लान में कमी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं मेरी है, क्योंकि बिजनेस मेरा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो उसके पीछे कंपनी का हाथ है, अपलाइन का हाथ है, और मेरा बिजनेस खराब हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। बस जरा सा फर्क है, इसको देखना पड़ेगा। हमें क्या त्यागना है इसकी लिस्ट पहले बनाइए, अंदर झांकिए। बीती नवरात्रि, बीता पर्व सिखा करके जाता है, हर साल हम रावण मारते हैं, कब तक मारेंगे। कल एक मित्र ने कहा, भैया कब तक मारेंगे, मैंने कहा जब तक अपने अंदर का नहीं मर जाता। जिस दिन आप मेरे अंदर का, आपके अंदर का मर जाएगा हमारे लिए तब फिर इन सारी चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। समझना है साहब, हम आप एक बेहतरीन
व्यापार में हैं, हम आप एक बेहतरीन संस्थान में, हम आप भारत के क्या पूरे विश्व के सबसे शुद्ध आयुर्वेदिक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम आप उस बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट संस्थान के हम आप सब मालिक हैं, हम आप सब पार्टनर हैं। तो सोचिए जरा, जो कंपनी, जो एमसी बिजनेस पूरे विश्व में आज डंका मचाए हुए है, अग्रणी होता जा रहा है, पूरे भारत में अदर्स जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनको सिर्फ एमसी के लीडर्स ही, नेटवर्कर ही दिख रहे हैं, बाकी और किसी पर वो बात ही नहीं करते। हम इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं और हम आप उस कंपनी के एसोसिएट्स हैं, पार्टनर हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स के मालिक हैं, प्रचारक हैं। तो क्या हम आपको ये छोटी सोच रखनी चाहिए? क्या हमें आपको अधिकार है गलत सोचने का, गलत बोलने का? अधिकार ही नहीं मेरे दोस्त, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। एक पुत्र जब पिता बन जाता है, यानी एक इंसान जब पिता बन जाता है ना, तब उसको समझ में आता है, तब फिर वो अपने पिता को कुछ नहीं कहता, वो समझ जाता है कि कैसे पाला होगा। तो समझने की बात यहीं पर है दोस्त, कहते ना कि जिम्मेदारियां आ गई, हमारे आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, इतने बड़े संस्थान की जिम्मेदारी, इतने बड़े प्रोडक्ट की जिम्मेदारी, इतने बड़े अभियान की जिम्मेदारी। जी हाँ, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, इतने बड़े अभियान की जिम्मेदारी। और हम आप कहाँ लगे हैं सर? पहले 150 आता था, 300 आता था, अभी 150 आता है। कहाँ उलझे पड़े मेरे दोस्त? पहले सुपर स्टार पे 3000 आते थे, आज 12000 आ रहे हैं। पहले एक सिल्वर पे मैं तो हूं ना गवाह हूं, 35,000-30,000 से मेंटेन करने पर पहले 8,000-10,000 आते थे, आज 16,000-17,000 आ रहे हैं। उसको क्यों नहीं देख रहे हो आप? यानी घी पचाने की क्षमता बढ़ाइए, घी में कोई कमी नहीं है। दूध पचाने की क्षमता बढ़ाइए, दूध में कोई कमी नहीं है। हमारी पाचन प्रणाली कमजोर है, उस पाचन प्रणाली को मजबूत करना है ना। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके, क्योंकि आज त्योहार है, आप सभी कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, पूजा और विसर्जन है, आज देवी विसर्जन है, और देवी विसर्जन मीन्स सिर्फ मूर्ति का विसर्जन है, ध्यान रखिएगा। देवी और जो दैवी शक्तियां, जो दैवी भावनाएं, उनको कभी अपने मन से, अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क के मत विसर्जित कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक वो विचार, वो दैवी विचार, वो अच्छे विचार आपके और मेरे पास हैं, तब तक वो दैवी शक्ति भी हमारे साथ है, और उसके रहते पराजय नहीं हो सकती। इस चेयरमैन की यात्रा पर, सीपी की यात्रा पर, हमें आपको सबको मिल करके बुरे विचारों का, बीता नवरात्रि, बीता दशहरा यही सिखाता है कि बुरे विचारों का, बुरी संगत का, नेगेटिविटी का आपको परित्याग करना पड़ेगा। जी हाँ, परित्याग करना पड़ेगा, और जब तक हम इनका परित्याग नहीं करते हैं ना, तब तक समृद्धि भी नहीं आती है। यदि हम आप इस बिजनेस में आए समृद्धि के लिए, तो छोटी सोच को, छोटे विचारों को, गंदी संगति को, गंदे हरकतों को, गंदी जो कहते हैं ना कि जो एक बेहतरीन इंसान को नहीं करना चाहिए, वो सारी आदतों का हमें परित्याग करना पड़ेगा। जरा सोचिए, किसी भी समाज में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए ना, जिसको 1-2 लाख रुपया का पेआउट या 1-2 लाख रुपए महीने की जो जिसकी इनकम हो, उसके स्वभाव को देखिए, उसकी भाषा को देखिए, उसके हाव भाव को देखिए, उसके चलने फिरने बैठने का तरीके, वो कैसे लोगों से मिलता है, देखिए ना। एक आईएएस कहते ना कि हम वो बनना है सर, बच्चों का होता है सर, डीएम बनाना है, तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट का एक हाव भाव देखिए ना, कैसे बात करता है। या किसी एक बेहतरीन जो एक बड़ा व्यापारी है आपके शहर का, वो कैसे आपसे मिलता है, कैसे बात करता है, किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है, उसके अंदर की फीलिंग्स क्या है, क्या उसके पास वो गलत आदतें हैं जो हम आप मध्यम वर्गी के पास है, क्या वो गलत विवेचनाएं वो करते हैं, वो हमेशा प्रगति की बात करते हैं, हमेशा बेहतरीन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। राज की बात यह है मेरे दोस्त, राज की बात यह है, समझिएगा, यदि समझिएगा, ये कैलकुलेशन है, एक फार्मूला है, यदि आप 2-4 लोगों के बीच बैठे हुए हैं, या किसी एक व्यक्ति के साथ भी अगर आप बैठे हुए हैं, और उस बैठक में, उस मुलाकात में आपको अनुशासित ना रहना पड़े,
यानी आप कैसे भी बात कर सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, पैरों पैर चढ़ा के बैठ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अगर आपकी उस मुलाकात में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो टीम हो या नया प्रोस्पेक्ट हो या जो भी हो, अगर आप वहां पर उस जगह पर अनुशासित नहीं है किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद, महिला हो या पुरुष समझिएगा, अगर आप अनुशासित नहीं है तो इसका मतलब आप गलत जगह पर हैं और गलत व्यक्ति के साथ हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी से मिलने पर, किसी से बात करते समय, किसी के साथ उठने बैठते समय आप अनुशासित नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह गलत व्यक्ति के साथ हैं। और यदि किसी व्यक्ति किसी स्थान पर जाने बैठने के बाद आप अनुशासित हैं, आपके शब्द अनुशासित हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अनुशासित है, आपकी फीलिंग्स सही आ रही हैं, अंदर की वाइब्रेशन सही है, तो इसका मतलब आप सही और प्रगतिशील इंसान के साथ बैठे हुए हैं। अब अनुमान लगाइएगा किसको त्यागना है, अब ध्यान दीजिएगा किसको त्यागना है। और ध्यान रहे दोस्त, बिना तपे चमक नहीं आती। हम सोचे सारे ऐसो आराम, सारी हरकतें अनुशासित रह कर भी हम प्रगति पा जाएंगे, नहीं हो सकता है। बिना अनुशासन के प्रगति भी नहीं आएगी, अनुशासित तो रहना पड़ेगा। अनुशासित के लिए क्या है, हम हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे, ऐसे लोगों की संगत में रहें जहां हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। आप घर में फ्री हो भाई, अकेले हो तब भी जरा समझिएगा, अगर एक इंसान एक राजा है, राजा किसी देश का राजा, पहले जमाने में होते थे, आज भी होते हैं, मुझे बताइए, अगर एक राजा अगर घर में खाना खा रहा है तो कैसे खाएगा, राजा की तरह खाएगा कि आम इंसान की तरह खाएगा? एक राजा राजा की तरह ही खाएगा। अगर वो घर पे भी बात करेगा, भले वो अपने वेशभूषा बदले हुए हो, विश्राम की स्थिति में हो, लेकिन उसके जो शब्द होंगे वो राजा के शब्द ही होंगे। यदि एक राजा स्नान कर रहा है, नहा रहा है, कपड़े पहन रहा है, तो मेरे दोस्त उस समय भी उसकी जो हरकतें होंगी वो राजा वाली होंगी, यानी ऑल टाइम डिसिप्लिन, हर समय अनुशासित। और अगर वो अनुशासित नहीं है तो फिर राजा भी नहीं है। फार्मूला मिल गया होगा सीपी और चेयरमैन और सीपी जाने का, है ना? जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा। कुछ चीजें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ आदतें हरकतें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, जिनके बिना हम रह नहीं पाते, लेकिन मेरे दोस्त वही गलत आदतें, वही गलत हरकतें हमारी प्रगति के लिए भी बाधा होती हैं। अप्रोच रूप से बताना चाहूंगा, नवरात्रि और विजयादशमी का यही राज है और यही है। क्यों छोड़ते हैं हम प्याज, क्यों छोड़ते हैं चप्पल, क्यों छोड़ते हैं लहसुन? इनको छोड़ने से कुछ नहीं होगा। छोड़ना है तो अपनी उस गलत सोच, अपनी आदतों को छोड़ना होगा जो हमारी प्रगति के लिए नुकसानदेह हैं। उस गलत सोच को छोड़ना होगा, परित्याग करना पड़ेगा। त्याग दीजिए मेरे दोस्त, उन लोगों को परित्याग करिए जो आपकी प्रगति में बाधा है, जिनके साथ उठने बैठने में आपको अनुशासित नहीं महसूस होता, उनके साथ बहुत ज्यादा समय व्यस्त मत व्यतीत करिए। जिन लोगों के साथ, यानी मैं अगर आज डॉक्टर श्री डी एन सिंह जी के सामने, हेबा जी के सामने बैठता हूं, रुकता हूं, माननीय आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी जब मुलाकात होती, तो उनके सामने जब मैं खड़ा होता हूं, बात करता हूं, तो अनुशासन रहता है। और उनके संगत में जब तक रहूंगा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यानी अपनी टीम के साथ भी आप जब उठिए बैठिए ना, तो आपका अनुशासन रहे। यदि आप अनुशासित हो तो आपकी टीम भी अनुशासित रहेगी, और आप अनुशासन विहीन हो गए तो टीम अनुशासन विहीन हो जाएगी, और जब अनुशासन विहीन लोगों का समाज तैयार होगा ना, तो सफलता को से दूर चली जाती है। तो त्याग करना पड़ेगा उस रिलैक्सेशन का। जी हां, सोचिए, आपको जब ऑल टाइम महसूस हो, यानी अगर आपको यह महसूस हो कि यार ईश्वर मेरे सामने हमेशा है, समझिएगा जरा, बहुत गहरी बात है। अगर आपको यह लगने लगे कि ईश्वर मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हर जगह है, यहीं पर है, सामने है, तो क्या उस समय आप गलत हरकतें करेंगे? क्या उस समय आप कुछ गलत खान पान का सोचेंगे? नहीं। यही मान लीजिए कि आपका क्राउन प्रेसिडेंट पिन आपके पास है, बिल्कुल है,
क्या उस समय एक क्राउन प्रेसिडेंट क्या छोटी सोच रख सकता है, एक चेयरमैन क्या छोटी सोच रख सकता है? नहीं दोस्त, बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू, फिर मुलाकात होगी सफलता के किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे मिलते हैं। और हैप्पी नवरात्रि अगेन, शुभ विजयादशमी, और गलत चीजों को परित्याग करके पूरे जीवन हैप्पी दिवाली आप सभी के जीवन में मिले, आप सभी को मिले, आप हम आप सभी पूरा जीवन दिवाली मनाएं। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड टाइम, सी।